सो स्वीट यार, बहुत अच्छा बोला आपने। हम भी यही क्या बोलने वाले थे कि आज गुड़ी पाड़वा है और नवरात्रि की शुरुआत है, तो शुभ काम करके बहुत अच्छा लगा है। इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है, इतना मज़ा आ रहा है। आप लोग चले जाओगे, हम तो भाई खेलेंगे इनके साथ। और थैंक यू सो मच हर्ष कि जब भी मैं ऐसा कुछ करने का बोलती हूँ तो तुरंत मान जाते हैं। और हमारी देखो ये मीडिया वाली प्यारी सी हॉट सी लड़की, इनसे डर रही है, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा अंगूठा खाएंगे बस। ये आइडिया था भारती का एक्चुअली, और मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था भारती, मतलब संडे को कहीं जाना है, सो फिर भारती मुझे डिटेल दी कि भाई ये है, यहाँ जाना है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया, बिकॉज मुझे भी जानवर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये दुनिया उनकी भी है, हमारी अकेले की नहीं है। इतने अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि मेरे घर में खुद एक पेट है टकीला, और अभी जाके हमको सूंघेगा तो हमको बहुत मारेगा वो, क्योंकि उसको इतना गुस्सा आता है, घर में रिश्तेदार आ जाए तब वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये तो फिर भी उसके साथ ही है। सो मैंने और अर्श ने फैसला किया है कि जब भी हमें टाइम मिले, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर हफ्ते, जब भी एक दो महीने के बाद टाइम मिले हम आते रहेंगे, और इनकी ये सेवा के लिए तो हम वैसे भी सब भिजवाते ही रहेंगे। और यार बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग दान करके आते हो मंदिरों में, ये वो, इनसे अच्छा इनको दे दो, क्योंकि ये तो मांगते भी नहीं हो रहे, ये इनको बेचारे, इतने सारे लोग जब ये बीमार हो जाते हैं छोड़ जाते हैं तो बहुत बुरी बात है यार। मतलब सुख के समय वो आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं, और जब उनकी किसी की आँख खराब होगी, टांग खराब होगी, तो आप उनको रास्ते पे छोड़ जाते हो, तो ये बहुत बुरी बात है। आप प्लीज़, मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी मुझे पसंद करते लोग, मेरे फैंस हैं, मेरे चाहने वाले हैं, आप एक बार आइए, ये मड में बना हुआ है, बहुत सारे प्यारे प्यारे यहाँ पे पप्पीज़ हैं, बच्चे हैं, मुर्गे हैं, मतलब बिल्लियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आइए अपने बच्चों को लेके, यहाँ पे मस्ती कीजिए, कैफ़े भी खुलने वाला है, सो आप यहाँ पे कॉफ़ी भी पी सकते हैं, उनसे प्यार भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पर आइए, इतना प्यार मिलेगा आपको कि आप कहेंगे कि हर महीने हम यहाँ पे आएँ। बिल्कुल, बहुत सच बात है, क्योंकि हमारे घर में भी है और हमको पता है, और मैं तो कहती हूँ एक एक ले जाओ, हमारे घर में तो हमारा वाला बहुत चिड़चिड़ा है, वरना मैं, मेरा बस चलता तो मैं ऊपर कितने छोटे छोटे प्यारे बने थे, मैं ले लेती यार वो, और बस बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। सबसे बेहतरीन चीज़ इस एनजीओ की क्या लगी आपको? मुझे ये लगी कि इतने यंगस्टर यहाँ पे इनकी सेवा कर रहे हैं, और मतलब आप जितने भी यहाँ पे इनकी हेल्प करने वाले, या कभी कभी लोग चिढ़ते भी हैं, बोलते हैं अरे गली के कुत्तों को क्यों हाथ लगाते हो, ये बीमारी वाले होते हैं, नहीं ये बीमारी वाले नहीं, ये सिर्फ प्यार के भूखे हैं। सो बहुत बुरी बात है कि आप जब तक अच्छे प्यारे लगते हैं आप उनको घर में रखते हो, पालते हो, लेकिन जब वो थोड़े बीमार हो जाते हैं या नहीं संभलते आप छोड़ देते हो, सो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मेरी नज़र में आपको अगर पेट घर में पालना है तो कभी भी शो ऑफ के लिए मत पालिए, क्योंकि वो जो फैंसी ब्रीड्स होती है या क्यूट क्यूट होते हैं तो आप रख लेते हो, क्योंकि छोटे होते हैं ना, क्यूट होते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन उनकी एज के बाद वो थोड़े शांत हो जाते हैं, वो बोरिंग हो जाते हैं, तब उनको अटेंशन चाहिए, तब आप उनको, आपका प्यार चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके, बट आप तब वो करते नहीं हो, बहुत बुरा लगता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ फैंसी डॉग्स के पीछे मत जाइए, हमारे आसपास इतने सारे जिनको आपकी ज़रूरत है, सो प्लीज़ उन्हें पालिए, उनकी रक्षा करिए, उनको खाना खिलाइए, उनका टेक केयर करिए। बिल्कुल यार, हमारे पास भी, मैं बोलना चाहूँगी, अर्श ने कहा कि जो क्यूट क्यूट फैंसी वैंसी देखते हैं, हमारे घर में भी क्यूट वाला फैंसी वाला है, बट वो हमने उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी जब बच्चे हुए थे, तो हमने ले लिया था तब, तो वो क्यूट था, अब हम क्या करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बड़े प्यार होते हैं। मतलब मेरी शादी हो गई है और मैं कम से कम 5 साल से उसके साथ रहती थी, वो जब मैंने लिया था, अर्श ने गिफ्ट किया था, लेकिन आज भी वो जब हर्ष आता है घर में वो सब भूल जाता है, सिर्फ उसको हर्ष चाहिए, जैसे मुझे।